नमस्कार, आज हम बात करेंगे फूल गोभी के बीज के बारे में और बीज के वैरायटी के बारे में। तो अभी जो मौसम है बरसात का है, तो बरसात के मौसम में जो फूल गोभी का वैरायटी है उस पर बात करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है सिंजेंटा का मॉनसून क्वीन। तो अगर आप हमारे चैनल खेती घर पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो टॉपिक है वो है सिंजेंटा का मॉनसून क्वीन। अब ये मॉनसून क्वीन, अब जैसे मई ख़त्म होने पे लगभग आ गया, 25 मई से लेके 25 जुलाई तक लगता है। 25 मई से 25 जुलाई तक इसका बीज नर्सरी में गिरता है और फिर लगभग 28 से 30 दिन के बाद नर्सरी तैयार हो जाता है। फिर हम ट्रांसप्लांट करते हैं और मेन फील्ड में लगाते हैं। तो ये जो आप स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, ये जो मॉनसून क्वीन है, ये 10 ग्राम का पैकिंग आता है। तो इस 10 ग्राम के पैकिंग में लगभग 2000 काउंट बीज होता है अप्रॉक्सीमेट, या टोटल कहिए आप, टोटल एकदम 2000 बीज उसके अंदर होंगे। और इस 2000 के बीज में 2 कट्ठा कवर होगा, मतलब लगभग 3000 से 3200 स्क्वायर फीट कवर होगा एक 10 ग्राम के पैकिंग में। आप ज़मीन पे भी नर्सरी दे सकते हैं और प्रोट्रे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि सीडिंग ट्रे में कैसे बीज तैयार करें। वो जो प्रोट्रे आता है आपको पिक्चर में दिख पा रहा होगा, ये है प्रोट्रे। तो इसमें जब हम नर्सरी तैयार करेंगे तो इसमें अच्छा रिजल्ट आता है, मतलब ये जो पौधा होता है ठीक तरीके से जर्मिनेट करता है। तो जर्मिनेशन जब अच्छा आया तो स्वाभाविक है बीज अधिक आएगा उसमें। और जब हम ज़मीन पे दे रहे हैं तो कुछ बीज गल जाता है। अब अधिक बारिश हो गई तो बीज गल गया, अधिक धूप हो गया तो भी सूख के बीज मर जाता है। इससे बचाने के लिए हम नीचे देंगे। लेकिन एक बार फिर से बात करें मॉनसून क्वीन की तरफ, तो मॉनसून क्वीन काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इसका उपज है लगभग 500 ग्राम से 700 ग्राम पर पौधा। एक पौधा में का जो साइज होगा फल का वो 500 ग्राम से 700 ग्राम के बीच होगा। तो काफ़ी अच्छा साइज़ है, क्योंकि बरसात के मौसम में इतना बड़ा साइज़ मिलता कहाँ है। तो इसको आप एक प्रॉपर वे में लगाएंगे ताकि एक डिस्टेंस को मेंटेन करना होता है, तो उस हिसाब से देंगे 2 कट्ठा कवर हो। जब हम ट्रांसप्लांट करेंगे उस समय वीडियो बनेगा कि कितने दूरी पर लगाना है। तो इसके प्राइस रेंज के बारे में अगर बात करें तो 450, 550, 600 के बीच मिलेगा। 550 के अप्रॉक्स मिलेगा, 450 तो बहुत कम हो गया, क्योंकि हर जगह वैरी करता है प्राइस। तो एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता सकते हैं क्योंकि कुछ सिक्योरिटी रीज़न भी है। प्राइस आपको यही 550 के अप्रॉक्स मिलेगा, बस इतना समझिए 550 के अप्रॉक्स मिल जाएगा। तो इसके बाद जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा, इसको जैसे हम जर्मिनेट कर रहे हैं नीचे, तो आप जब ढक रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए हम बीज को गिरा दिए, तो फिर उसको इस तरह से मिलाएंगे मिट्टी को ताकि मिट्टी भुरभुरा रहे। ऐसा नहीं कि ढेला में इतना भरा हुआ ढेला में बीज गिरा देना है, भुरभुरापन मिट्टी में बना रहे तब गिराना है। अब जैसे बताएं कि 25 मई से लेकर 25 जुलाई तक बीज गिरेगा, तो एक मंथ में नर्सरी तैयार, और फिर हम जब ट्रांसप्लांट करेंगे तो ट्रांसप्लांट से लेकर 70 दिन में आपको कटने लगेगा। 70 दिन हम मैक्सिमम बोल रहे हैं, ये नहीं कि 70 दिन मतलब मिनिमम तो 55 दिन है, 55 दिन से आपका शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर लेट हो जाता है, किसी वजह से कोई डिजीज़ अटैक कर देता है, तो अप्रॉक्सीमेट 60 से 65 दिन में आपका फसल तैयार मार्केट जाने के लिए। इसीलिए काफ़ी अच्छी वैरायटी है, और अगले बार हम फिर नया वैरायटी लेके आएंगे। तो आप एक बार फिर से ओवरऑल देख लें सिंजेंटा का मॉनसून क्वीन, जो कि 25 मई से लेके 25 जुलाई तक लगता है। साइज़ है 500 ग्राम से 700 ग्राम पर पौधा, और लगभग 2000 काउंट बीज आता है जो कि 2 कट्ठा कवर होता है। स्क्वायर फीट में बात करें तो 3000 से 3200 स्क्वायर फीट कवर होगा। तो अगर आप हमारी चैनल खेती घर पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।